बेल्ट रेस में आए हैं सबसे पहले हमारे नितिन कोहली और इसलिए हमारी मछली मार सोसाइटी की तरफ से उनको मिलती है एक नई बोट। माँ देखो बाबा की नई बोट, अब हमें बोट उधार पे नहीं लेनी पड़ेगी। राजू बेटा यहाँ क्या कर रहे हो? माँ मैं आशा को सजा रहा हूँ। बेटा सब प्रार्थना के लिए खड़े हैं। चलो चलो जल्दी चलो। माँ देखो मैंने इसका नाम आशा रखा है। चलो, चलो। तुम्हारा शुक्रिया परमेश्वर, स्वर्ग में रहने वाले पिता, जो तुमने ने नई बोट बख्शी। अब इन पर तुम्हारा आशीष रहे, तुम सबका ख्याल रखते हो, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। बड़ी आजिजी के साथ हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं, आप मेहरबानी करके इसे कबूल फरमाइए। ये हमारी उम्मीद और सोच से कहीं ज्यादा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम आमीन। आमीन। तू जाग गया? मैं तो सोया ही कब था, मैं भी चलूंगा। तेरा स्कूल है ना? बेटा मुझे मछलियाँ पकड़ने बहुत दूर तक जाना है, वहाँ समंदर बड़ा गहरा होता है। अरे नहीं, यही तक, मेरी आशा तक। ओह, तेरी आशा? भूल गए, इसने अपनी कश्ती का नाम आशा रखा है। अच्छा, तूने उसका नाम आशा क्यों रखा? मुझे आशा नाम बहुत पसंद है और मेरी फ्रेंड का भी नाम आशा है। फ्रेंड? चल आजा, आजा। तो राजू अब तो स्कूल जाएगा, ठीक है? और स्कूल से आकर घर पे स्कूल का काम करेगा। और ये रही तेरी आशा, तो मैं तुम्हारी आशा ले जाऊं? हाँ, लेकिन जरा ध्यान से। ठीक है। चल चल। आओ भाइयों। शाबाश।
परमेश्वर तुम्हारे साथ रहे। आपके साथ भी। बाबा आज आप बहुत देर से आए। देर से कहाँ बेटा, आज तो जल्दी आ गया। कई बार दो दो दिन तक मछलियां नहीं मिलती, पर आज का दिन बहुत अच्छा रहा, पास में ही अच्छी मछलियां मिल गई। दिन अच्छा क्यों नहीं जाएगा जी, आखिर राजू की आशा में जो मछली पकड़ने गए थे आप। सो तो है। पता है राजू, जब प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ा दिया गया तो उनके चेलों को समझ नहीं आ रहा था कि अब जीवन में क्या करें। तो पतरस ने कहा मैं जाकर मछलियां पकड़ूंगा, तो दूसरे चेलों ने कहा हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, और वो जाकर नाव पर चढ़ गए। उस रात उन्हें कुछ ना मिला। जब भोर होने लगी तो यीशु तट पर आ खड़ा हुआ। चेलों ने नहीं पहचाना कि वो यीशु है। इस पर यीशु ने कहा तुम्हें मछलियां नहीं मिली ना? उन्होंने कहा नहीं। उसने उनसे कहा कि जाल को नाव के दाहिनी ओर डालो तो पाओगे। उन्होंने जाल को डाल दिया। इतनी ज्यादा मछलियां जाल में आ गई कि वो जाल को खींच ही ना सके। उस चेले ने जिसे यीशु प्रेम करता था पतरस से कहा ये तो प्रभु है। देखा राजू, ऐसे हैं प्रभु के चमत्कार। शीला, अगर प्रभु यीशु की दया हम पर ऐसे ही रही तो हमारा राजू जरूर कॉलेज जा सकेगा। अरे अरे कहाँ लेके जा रहा है रे बेटा, ये बेचने के लिए है। नहीं शीला, ये राजू की है, इसके लिए प्रभु ने भेजी है। जा बेटा। अपना ख्याल रखना। चलता हूँ। आज हवाएं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। समंदर में लहरें अशांत रहेंगी। मछुआरों को चाहिए कि वो अगले 24 घंटों के लिए समंदर में ना जाएं। सूचना समाप्त हुई। माँ, पापा अभी तक क्यों नहीं आए? आ जाएंगे बेटा, तू डर मत। देख, हम ईशी को याद करते हैं, ठीक है? बाबा जरूर आ जाएंगे। तू सो जा बेटा, जैसे बाबा आएंगे मैं तुझे उठा दूंगी। सो जा।
आस्ते संभालो, हट तो, आस्ते 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 संभालो संभालो, एकदम हाथ संभालो, हाथ संभालो भाई, हाथ मत छोड़ो, आराम से एकदम आराम से, आराम से आराम से आराम से एकदम आराम से। एजी, एजी उठो ना, कुछ बोलते क्यों नहीं, उठो, क्या हुआ, उठो ना एजी, उठो ना, क्या हुआ, कुछ बोलते क्यों नहीं, क्या हुआ, बता दो, क्या हुआ, उठो ना, उठो ना, उठो ना, कुछ बोलते क्यों नहीं, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, बता दो, क्या हुआ, उठो ना, कुछ बोलते क्यों नहीं, क्या हुआ, कुछ बोलते क्यों? अब ये नहीं बोलेगा शीला बहन, परमेश्वर ने इसे अपने पास बुला लिया है। हाँ बेटे राजू, तुम्हारे पापा को परमेश्वर ने अब स्वर्ग में बुला लिया है। अब ये कभी नहीं बोले, कभी नहीं बोलेगा बेटा, कभी नहीं बोलेगा। परमेश्वर ने हमारे भाई को बुला लिया है, बहुत ही नेक था, बहुत ही मेहनती था, प्रभु यीशु में विश्वास करने वाला। अब प्रभु तू ही सहारा है हमारी बहन और राजू का। प्रभु यीशु ने कहा था, क्योंकि मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित रहोगे, सो ये जीवित रहेगा। आमीन, आमीन, आमीन। शीला बेटी, शीला बेटी, बेटी जी, कैसी हो बेटी? जी ठीक। वो हमारा राजू कहाँ है? जी स्कूल गया है। अच्छा बेटा, अब तुमने कामकाज के बारे में क्या सोचा है? मेरा मतलब है कि रोजी रोटी के बारे में। जी मैं लोगों के कपड़े इस्त्री कर लिया करूंगी। लेकिन यहाँ तो लोग इस्त्री वाले कपड़े पहनते नहीं है, और जब उन्हें कभी जरूरत होती है तो खुद ही इस्त्री कर लेते। मैं कॉलोनी से कपड़े ले आया करूंगी और इस्त्री करके लौटा दिया करूंगी। इस तरह ज्यादातर घर पर रहूंगी तो राजू की देखभाल भी कर सकूंगी। अच्छा ख्याल है, बहुत अच्छा ख्याल है। लेकिन इस टूटी फूटी बोर्ड का क्या करोगे? क्या करूँ, पड़ी रहे। मैं सोच रहा था कि इसे ठीक ठाक करके किराए पर चढ़ा दें, लेकिन इसे ठीक ठाक करने में बहुत पैसे लग जाएंगे, क्यों ना हम इसे बेचते? बेचते? कौन खरीदेगा? यीशु मसीह के चाहने वाले बहुत भले आदमी हैं बेटा, ये तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगा। अच्छा बेटी, अपना ख्याल रखना। दोस्तों, हम मछली मार सोसाइटी वालों ने अपने समाज और अपनी बस्ती का बहुत ख्याल रखा है। जब भी हम में से किसी को कोई मुश्किल सामने आती है तो हम सब मिलकर उसकी मदद करते हैं। आज भी कुछ ऐसी समस्या हमारे सामने आई है। मैं जानता हूं कि आज इस कश्ती की कीमत कुछ नहीं है, लेकिन इसकी बोली लगाकर हम अपना प्यार छोटे राजू को दिखाएंगे। ये बोली कोई मुनाफा कमाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ मदद करने के लिए है। इसलिए सबसे पहली बोली मैं बोलता हूं भाइयों, मैं इसके लिए 3,000 रुपए दूंगा। 3,500? पूरे 4,000। 4,000? अरे भी खोल कर, दिल खोल कर बोली लगाइए, बहुत नेक काम के लिए है। 4,500। शाबाश,
4,500, लेकिन इससे भी ज्यादा बोली लगाने वाला आपके दरमियान कोई है? पूरे 5,000। 5,100। और कोई? 5,100 एक बहुत ही शुभ रकम है। 5,101, 5,102, 5,103। शुक्रिया शुक्रिया देवगुरु साहब, ये कश्ती आपकी हो गई। मैं नहीं ले जाने दूंगा, नहीं मैं नहीं ले जाने दूंगा, नहीं मैं अपनी आशा को नहीं ले जाने दूंगा, नहीं मैं नहीं ले जाने दूंगा। बेटा राजू चल बेटा, अरे बेटा ये सब तेरे भलाई के लिए किया गया है। अरे नहीं ले जाने दूंगा बेटा, चल चल। अरे शीला समझाओ ना तुम इसे, चल राजू। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं राजू, मान जा बेटा। देख ये अपने फायदे की बात कर रहे हैं ना, अपनी माँ की बात नहीं मानेगा। मान जा, मान जा बेटे। माँ मत रो। प्रभु यीशु तो बड़ा रहम दिल है। मेरी बोट, मेरी आशा, मेरी बोट, मेरी आशा, मेरी बोट, मेरी आशा। राजू, राजू, अरे तुझे तो बुखार है। राजू, राजू, तुझे तो बहुत बुखार है। ले बेटे राजू, ले बेटा पानी पी, पानी पी, पी राजू, पानी पी ना रे, पी। क्या बोल रहा है ये? इसकी बाप की बोट का नाम था डॉक्टर साहब, उनके जाने के बाद हमें बेचनी पड़ी। अच्छा अच्छा, घबराने की कोई बात नहीं, माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखो, बुखार उतर जाएगा, और अगर रात को बुखार ज्यादा हो जाए तो ये दवाई दे देना पानी जी। और सुबह मेरे क्लिनिक में से दवाई ले जाना जी डॉक्टर, ठीक है? ना झूला ना खतरा।
हाथ से भी। टीचर ने कोई होमवर्क दिया है? जय यीशु मसीह की जय हो, जय हो। नमस्ते चाचा। मे लॉर्ड बी विद यू, मे लॉर्ड बी विद यू। क्यों बेटी शीला, कैसे चल रहा है? जी सब ठीक चल रहा है। अच्छा, तो अपना राजू तो अब ठीक है ना? जी बिल्कुल ठीक है, स्कूल भी गया हुआ है। कृपा है प्रभु यीशु की। पर उसके दिमाग से आशा की तस्वीर निकलती ही नहीं, हर वक्त आशा आशा। किताबों में आशा की तस्वीर, दीवारों पर आशा ही आशा। ऐसा पागलपन कश्ती के लिए पहले कभी नहीं देखा। प्रभु की यही इच्छा होगी। देखिए ना, क्रिसमस आने वाली है। अगर ये जिंदा होते तो उसके लिए ढेर सारा सामान लाते। और मैं, अरे अरे, तुम उसे ढेर सारा प्यार जो देती हो, उसके लिए सारे कष्ट झेलती हो। अरे बेटी, मां बनना किस्मत वालियों के ही नसीब में होता है। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, प्रभु सबका सहारा होता है। राजू, आज क्रिसमस का दिन है और मेरे पास तुम्हें देने के लिए प्यार के अलावा और कुछ नहीं। परमेश्वर ने इस जगत से इतना अधिक प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे दिया, ताकि उस पर जो कोई विश्वास करे तो वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ माँ, मैं टीचर भी यही कहती है, प्रभु यीशु परमेश्वर की सबसे बड़ी गिफ्ट है, हमारी उम्मीद, हमारी आशा। अरे भाई, वाह 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 वाह, हमारा राजू तो बड़ा समझदार हो गया है। ये तुम्हारी तरफ से राजू के लिए। ये क्यों? शुक्रिया, ले राजू तेरी गिफ्ट। थैंक यू अंकल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्रभु यीशु, थैंक यू माँ। थैंक यू बेटा। जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो। अच्छा, मुझे बहुत जगह चलना है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा केक तो खा के जाते। शुक्र है प्रभु यीशु का, शुक्र है। सचमुच बहुत प्यारी बोट है और इसका कलर भी बहुत प्यारा है। तूने किया है कलर? और ये सब
धागे तूने लगाए हैं? बहुत प्यारी बूट है बेटा। अच्छा तो आपने इसका नाम आशा भी रखा है। बहुत प्यारी बूट है। मेरे बच्चे ने कितनी मेहनत की है ना। माँ मैं बाहर खेलने जाऊँ, अपने दोस्तों को दिखाने। हाँ ले जा। नहीं रुक रुक, पहले थोड़ा सा केक खा ले। और सुन, इस पे तूने इतनी मेहनत की है ना, इसको संभालना और अपना भी ख्याल रखना और घर जल्दी आना। जा। देखो देखो कैसी लग रही है मेरी बोट। अच्छी है ना, अच्छी है ना? अच्छी है, बहुत अच्छी है। मुझे देना राजू चलाने के लिए। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तेरी बोट तो बहुत छोटी है, उसमें कौन बैठी नहीं पाएगा। ये राजू मेरे को देना, मैं तेरा दोस्त हूँ ना। नहीं नहीं अभी नहीं, फिर कभी। मेरे को देना तेरी बोट, मैं अपना बॉल देता है। नहीं मैं नहीं दूंगा मेरी बोट, मैं तो जा रहा हूँ जॉन अंकल के पास खेल खेल करने। खेल खत्म, पैसा वसूल, बाय। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए, जिनके पास बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी उन्हें उम्मीद थी। जो पापों में बंधे हुए थे और नरक की तरफ जा रहे थे उन्हें मुक्ति की आशा थी। वही है जगत का उद्धार करता, वही है जो हमें हमारे पापों से बचा सकता है। आज वही आपके दिल में जन्म लेना चाहता है। क्या उसकी दस्तक सुनकर आप उसे अपने दिल के अंदर जगह देंगे? क्या छुपा रहा है बता, तेरे हाथ में क्या है? बोट। सारी छुट्टियां इसके साथ खेलता रहा, अब स्कूल ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर स्कूल तो नहीं ले गया था ना, मैं अपने स्कूल फ्रेंड्स को देखा होगा, उन्होंने नहीं देखा ना। पर बेटा टीचर गुस्सा होगी, बोट ले लेगी और वापस नहीं की तो। आ गया बेटा इतनी जल्दी? हाँ आज आप देता। माँ कहाँ है आशा, कहाँ है मेरी बोट? पहले स्कूल की सफेद कमीज निकाल ले और ये पहन ले, कहीं दाग लग गया तो निकलेगा नहीं। चल जल्दी। ले पहले ये खा ले, फिर मिलेगी आशा। ऐसा पागल है अपनी आशा के लिए। अरे तुम्हारी बोट तो नकली है, आगे पानी में जाती नहीं, गोल गोल किनारे ऊपर ही घूमती रहती। नहीं नहीं अभी जाएगी, तू देख। मेरी बोट, मेरी बोट, मेरी बोट, मेरी बोट।
राजू, प्रभु यीशु हमारा चरवाहा है, वो हमारी मदद जरूर करेगा, हमें कुछ कमी ना होगी और तुम्हारी आशा वो ही वापस करेगा। देख यहाँ क्या लिखा है, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। प्रभु यीशु सदा हमारे संग है बेटा, तेरी आशा जरूर मिल जाएगी, है ना? चल खाना खा लेते। चल चलो, टीचर डांटती है ना आजकल, उठ जा, चल चल स्कूल जाना। चलो समुंदर के पास खो गई थी ये मैं। अबे एक लड़का इसे बेच के गया,
पूरे पैसे दिए मैंने, 150 रुपया निकाला और ले जाओ। 150 यानी आ जाते हैं कहाँ कहाँ से इतने सारे पैसे। अरे सुन तो, लेकिन 150 रुपए क्यों चाहिए? माँ मेरी आशा मिल गई, मेरी अपनी नाव, मेरी अपनी कश्ती। तेरी कश्ती? तो 150 रुपए क्यों चाहिए? वो कालू का बढ़िया है ना, उसके पास मेरी आशा थी, मैंने उसे बहुत समझाया कि ये मेरी है, मुझे दे दो। तो वो कहने लगा कि कोई लड़का उसे बेच कर गया है, मैं उसे 150 रुपए दूंगा तो ही वो मुझे देगा। ओ तो ये बात है, लेकिन बेटा इतने पैसे कहाँ है हमारे पास? हमारे पास जो कुछ था सब खत्म हो गया। कितनी महंगाई है, बड़ी मुश्किल से घर चल रहा है। तो क्या मुझे मेरी नाव नहीं मिलेगी? नहीं नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी, मगर उसके लिए हमें खूब मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़े थोड़े पैसे बचाते हैं और फिर 150 रुपए जमा हो जाएंगे, फिर तू अपनी नाव ले आना। तब तक कोई और खरीद लेगा तो? नहीं खरीदेगा। तुम एक काम करो, तुम कालू कबाड़िया के पास जाओ और उन्हें प्यार से समझाओ कि वो किसी को ना बेचे, तुम जल्दी ही पूरे पैसे देकर नाव ले जाओगे, ठीक है? टोटल 130 रुपए। बेटे राजू होमवर्क कर लिया? रात हो गई है बेटा, सो जा। माँ 130 रुपए हो गए, अब तो मुझे दे देगा ना? जरूर देगा बेटे, हम सुबह जाके ले लेंगे, अब तू सो जा चल। वो तो बिक गई, यहाँ कोई सामान टिकता नहीं है। राजू बेटे ये किसकी बोट है? इसे मैंने तुम्हारे लिए संभाल के रखा था, नहीं तो कम की बिक जाती। ये लो। थैंक यू अंकल। नहीं मैं नहीं दूंगा, ये मेरी है, मैंने इसे बनाया है, मैंने इसकी कीमत चुका कर इसे छुड़ा लिया है। ये डोरी मेरी है, हाँ ये डबल मेरी है। प्रभु ने हमें रचा, हमें बनाया, और जब हम पापों में बंधे हुए थे, गुमराह थे, बेसहारा थे, तो उसने हमें ढूंढा, हमें प्यार दिया और फिर हमें खरीदा।
बेजान वस्तु से नहीं, सोने चांदी से नहीं, बल्कि अपने कीमती लहू से। फिर उसने हमारे लिए अपनी जान क्रूस पर दे दी और फिर उसने हमें खरीदा। परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो भी कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए।